तो ये है 3/4 का स्काई शॉट केक। अगर गोंद हम ब्रश से लगाएंगे तो यार उतना फ्लैश पाउडर इसमें नहीं, तो आप एक काम कीजिएगा, बाली और मिट्टी 50-50 लेके उसके बाद डायरेक्टली इसमें ये दाना घुसा देना है, ठीक? देख सकते हैं। हाय हाय, कैसे हो दोस्तों? नहीं, मैं डूब नहीं गया था, मैं नीचे काम कर रहा था, टेबल थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो पैकिंग लगा रहा था, ठीक है? तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। वही एक ही डायलॉग हमसे चलता है, ऑल ऑल राउंडर छोटे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वाह, क्या इको था। तो देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक समझे हैं, आज को मैं पूरा बना के तो नहीं दिखाऊंगा, माथा गड़बड़ हो जाएगा आप लोग का। एक सेल का कनेक्शन या फिर ट्यूब कैसे बनता है, जो स्काई शॉट ऊपर भाग जाता है, उसका फंक्शन क्या होता है, मैं आज को वही क्लियर करूँगा। और सुनिए, सबसे पहले आप लोग को मेरा वीडियो समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को पता चल चुका है, आप लोग स्किप करके करके देखते हैं, मेन हो गया ये बात। तो पहले यार वीडियो को अच्छे से समझो, हो सके तो मेरे वीडियो को व्यूज़ नहीं चाहिए, आप डाउनलोड कर लो, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, ठीक है, बिटमैट ऐप से या कोई भी तरीका आप जो ऐप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले डाउनलोड कर लो और बार बार देखो, 2 से 3 बार देखो, मैं सजेस्ट करूँगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, बेकार मेहनत हो जा रहा था, ठीक है। तो मैं आज जो क्लियर करूँगा उसका नाप थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये है 3/4, इसका जो डायमीटर है ये है 3/4, ठीक है। तो इसका जो सेल बनेगा, जो छोटा छोटा सेल होता है ऊपर भाग जाता है फट के, वो सेल कितना इंच में, कितना क्या, कितना के, कितना को, जो भी है मैं आज को क्लियर करूँगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट पॉइंट में चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हम लोग एक्सपेरिमेंट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये है 3/4 का स्काई शॉट केक। केक मतलब खाने वाला केक नहीं है, इसको केक ही बोला जाता है, पहले तो यार चेन क्रैकर बोलता था, अब जैसे विदेश में बोल रहा है ये केक है, तो हम लोग के इंडिया वाले वही विश्वास कर रहे हैं केक है। तो सबसे पहले इसको सिंगल बनाने के लिए हम लोग को एक सिंगल पीस चाहिए। उससे पहले मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि इसका पाइपिंग को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले ये 3/4 का है, तो उसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं एलुमिनियम का पाइप है, मैं सालों साल इसी से बना रहा हूँ, अब ये बहुत घिस चुका है क्योंकि मैं इस पर बना के कटिंग करके, बहुत नियम है बाद में बताऊँगा। तो देखिए ये 12 mm का पाइप है एलुमिनियम का, आप चाहे ये लकड़ी का भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, हाँ, और एलुमिनियम का भी यूज़ कर सकता है, अगर स्टील का मिल जाए तो स्टील का भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए ये है हम लोग का होल, ठीक है, हम लोग का नहीं मतलब फटाका का होल। तो यार कैमरा मैन हंस दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा पास लाओ, ये दे देने के बाद देखिए साइड में थोड़ा गैपिंग रह रहा है, उसी को पेपर रोल करके हम लोग टाइट करेंगे, पूरा टाइट भी नहीं होगा, पूरा लूज भी नहीं होगा, ठीक है। जब हम लोग इसके ऊपर रोल करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, मैं आगे दिखाता हूँ आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। एक चाहिए आप लोग को खटिया नहीं प्लाईवुड, और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैलेंडर यूज़ किया है, ठीक है, ये कैलेंडर है, भगवान का फोटो नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है। और एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोग को इसी बात पे, ठीक है, ये जो स्काई शॉट है ये थोड़ा इससे पतला है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ये जो है छोटू जी ये क्या है, अरे यार ये कुछ नहीं है, ये देख सकते हैं ये टाटा स्काई का ही पाइप है, ठीक है, टाटा स्काई का सपोर्टर है टाटा स्काई, इसको लगा लाया, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा बोस्तू, सॉरी झींगा बोस्तू नहीं, झींगा लाला। तो बंगाली है यार, खाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए पोस्तो ही निकल गया, जब बंगाली है वो समझ जाएगा, इसके लिए ये सही है, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ सामान भूल गया हूँ, दूसरी जगह से लाता हूँ। तो दोस्तों मैंने लेके चला आया एक फेविकॉल, मतलब घर में ही था लेके आया, और इसका भी नाप देख लेंगे, ठीक है, कितना चौड़ाई है, इसका चौड़ाई है भैया 3 इंच,
देख सकते हैं परफेक्ट 3 इंच है, ठीक है। और लंबाई में बात किया जाए तो लंबाई में ये है 20 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 20 इंच ही पकड़ी है, ठीक है। 20 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा। अब जो लगेगा लगेगा, बाकी का हम माइनस करेंगे। 20 इंच लंबा है, 3 इंच चौड़ा है, ठीक है। और कोई ज़रूरी सामान जो मेरा जैसा रहता है, एक बेलन लिया था मैंने नया, उसको थोड़ा घीस के राउंड शेप में थोड़ा पतला कर लिया है, ये भी काम में लगेगा। आप लोग बेलन से ही बनाइएगा, मस्त बनता है यार, ठीक है। हो सके तो ऊपर एक रबर का टुकड़ा देके यहाँ पे कील ठोक दीजिएगा, तब घाव मरने से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फटेगा भी नहीं। अच्छा बेलन लीजिएगा, थोड़ा महंगा। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा साइज का स्काई शॉट बनाने के लिए पाइपिंग है, मतलब पाइप है, ठीक है। और तो आप लोग को दिखा नहीं है, हमारे पेपर लगता है बीच बीच में, ठीक है, जिसमें फायर करने के लिए मसाला मसाला अटक जाता है। ब्रश चाहिए आप लोग को, ऐसे ही मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा डिटेल्स आप लोग को देना चाहता हूँ कि अपना एक कटोरी बनाएं, उसमें ये सब सामान रख के देख सकते हैं। एक ब्रश है, एक बेलन है आधा कटा हुआ, आधा से थोड़ा ज़्यादा ही है। पाइप साइज बाई साइज का होगा, ठीक है। ये 16 mm का पाइप है, ठीक है। और ये हो गया आपका 10 mm का, और ये जो है 12 mm का। ऐसा होता है यार, सब समझना पड़ता है। अगर आप लोग को इतना डिटेल्स दूंगा ना तो वीडियो पूरा एकदम एक मूवी की तरह हो जाएगा। तो चलिए ये सबको साइड में रखते हुए अब हमको करना क्या है, सबसे पहले एक सिलेंडर का टुकड़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे बिठा लेना है एकदम सीधा करके, उसके बाद इसको ऐसे लपटना है, और हल्का नहीं, ठीक है, इसको ऐसे खोल लेना है। हाँ, इसका गोंद देने का तरीका मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। गोंद ऐसे लगाना है कि छोड़ छोड़ के, क्योंकि पूरा अगर गोंद हम ब्रश से लगाएंगे तो यार उतना फ्लैश पाउडर इसमें नहीं होगा, ठीक है, उतना फ्लैश पाउडर इसमें नहीं होगा, इसको फाड़ नहीं पाएगा, ऊपर से भट करके दोनों तरफ से निकल जाएगा, ट्यूब पड़ा रहेगा मैदान में। ट्यूब को फोड़ने या शाम को बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है, फेविकोल यहाँ पे थोड़ा गिर गया, मैं देखिए यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा जॉइंट मारने के लिए थोड़ा दे दूंगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद 3 इंच दूर और थोड़ा, उसके बाद 3 इंच दूर और थोड़ा, ऐसा करके देना है। आप चाहे 2.5 इंच भी कर सकते हैं और मिडिल में ऐसा थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं फिर थोड़ा दे लिया, ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, लेकिन आप साइड में पूरा दे सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, साइड में पूरा दीजिएगा तब अच्छा होगा। मिडिल में लेकिन छोड़ना है, समझ लीजिएगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, दोनों तरफ दिया फुल, और 3 इंच या 2.5 इंच छोड़ा छोड़ा ऐसे ऐसे गैपिंग, ठीक है। उसके बाद इसको पहले रोलिंग करने का, देख सकते हैं कैसे कर रहा हूँ। टाइट रखना है हाथ को, ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनाना है। ख़त्म हो गया जहाँ तक गोंद दिया था, अब थोड़ा और दे देंगे ऐसे करके, ठीक है। ये ओरिजिनली आपका इससे नहीं होता है, फेविकॉल से नहीं होता है, ठीक है। साबुन का आटा मैं वीडियो करके दूंगा आप लोग को, चिंता मत लीजिए। देखिए कैसे मैं गूंद दे रहा हूँ, दोनों एंडिंग फुल दे रहा हूँ ऐसे करके, और 2.5 इंच छोड़ छोड़ के। मैं एक बार 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 बोल रहा हूँ इसलिए आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए मेरा वीडियो का बनने का मकसद है थोड़ा लंबा। तो इतना तक रोलिंग करने के बाद, ठीक है, इतना तक रोलिंग करने के बाद हम लोग इसको कट कर देंगे, ठीक है। कट करने से पहले इधर तो मैंने गोंद नहीं लगाया है, पूरा एक बार रोलिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। रोलिंग कर लिया, अब स्काई शॉट का जो केक है उसको लाएंगे, उसके बाद इसमें घुसा कर देखेंगे। हाँ, ये ठीक आ रहा है, मतलब पूरा ही लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये 20 इंच लग जा रहा है, तो मैं थोड़ा खोलूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा खोल लूँगा, हल्का सा। थोड़ा टेढ़ा होने से दिक्कत नहीं, मैं आपको ट्रिक दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है, कैसे कैसे इसको एक लेवल रखना है मैं आप लोग को दिखा दूँगा, चिंता मत लीजिए, ठीक है। मैं इसको गोंद लगा दिया इसे, वैसे मेरा बनाने का तरीका अलग है, मैं आप लोग को समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही रोलिंग में दो बनाता हूँ, एक ही रोलिंग करके मैं दो गो ट्यूब बना लेता हूँ। इतना तक पेपर काट लिया, दोनों बना लिया, फिर चाकू की मदद से मैं शेप देता हूँ, वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में दिखा दूँगा कैसे करना है, ठीक है। देखिए पकड़ लीजिए, मैं इतना तो कर लिया, ठीक है, देख सकते हैं।
आप जितना भी करिए थोड़ा थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा होगा ही, तो इसको समन करने के लिए मैं थोड़ा चाकू ला लेता हूँ, ठीक है? रुकिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने चाकू तो ला लिया, ठीक है? चाकू होगा एकदम शार्प, ये मैंने कहाँ से खरीदा? बार बार एक ही यार बोलते हो छोटू। हाँ यार, इसके ऊपर मेरा गर्व है, क्योंकि इससे मैंने जीआई तार को भी काट दिया है। जीआई तार को रखा है, इससे हल्का हाथों से ठोक दिया, काट गया, आज तक धार नहीं उतरा इसका। सबसे पहले जहाँ से देख रहे थोड़ा टेढ़ा बढ़ा हुआ है, वहाँ पे चाकू को बिठाइए और अपना लेवल अंदाज से इसको ऐसे उल्टे की तरफ घुमाना पड़ेगा, देख सकते हैं, ठीक है? ये एंडिंग में जाके इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं निकल गया, ठीक है? निकल गया। और जो थोड़ा 19-20 होगा उसको भी ऐसे काट देना है, इस प्रकार से देख सकते हैं हो गया, पूरा समान हो गया, ठीक है? आपका करना है, अगर लगता है यहाँ पे गोंद थोड़ा कम है, देखिए खुल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो चिपक लेगा। और अगर थोड़ा अच्छा बनाना है इसके ऊपर, तो जो हम लोग का ऐसा ब्राउन पेपर होता है ना, पतला एकदम, जिससे हम फ्यूज़ रैपिंग करते हैं, ठीक है? उसी से आप एक कोट इसके ऊपर दे सकते हैं डेकोरेट के लिए। ये उससे होता कुछ नहीं है ब्राउन पेपर से, लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, ब्राउन पेपर से फटाका का जो भी केमिकल है वो अच्छा रहता है यार, इसलिए तो वो लोग बनाते हैं, नहीं तो वो लोग भी कैलेंडर देख के ही बना लेते हैं, ठीक है ना? अंदर का कैलेंडर वो लोग यूज़ कर सकता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये सब काम के लिए, जो ब्राउन पेपर है, ठीक है? तो इसको मैं धीरे धीरे करके निकाल लेता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है? अब आपको नाप दिखा देता हूँ इसका फाइनल, देखिए 3 इंच 3 सूत, ठीक है? 3 इंच 3 सूत है, कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा इफेक्ट देगा और अच्छा आवाज़ मारेगा। अब 3 इंच 3 सूत से हम लोग को आधा इंच टोटल बंद हो जाएगा, लाइक इतना तक इतना तक, रुकिए, इतना तक मिलेगा आपको इतना, ठीक है? मैं मार्कर से दिखा देता हूँ, इतना कोई नहीं समझेगा, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं हम लोग का मसाला नष्ट हो गया, कोटिंग करने वाला ये हो गया, वीडियो का समझिए यार। ये हो गया आधा इंच, ठीक है? ये आधा इंच देख सकते हैं, इधर से भी आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा ही लिया मैंने, ये आधा इंच ही होगा, मैं चलो छोटा कर दिया था, ये आधा इंच हो गया। तो अब देखिए समझिए, ये आधा इंच इसको मत पकड़िए, बीच का जो जगह है वो पकड़िए, वो होगा हम लोग का ट्यूब का मेन हिस्सा, जो फट के सितारों को बिखरेगा, ठीक है? तो इसको मतलब फ्यूज कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मैं सब क्लियर करूंगा। तो चलिए मिट्टी लाते हैं पहले। तो दोस्तों ये ट्यूब को मैंने पूरा राउंड करके मार्क कर लिया, ठीक है? अब कोई भी एक साइड, आपको दोनों साइड एक ही नाप रखा है, ठीक है? कोई भी एक साइड आपको नीचे रखना है, ठीक है? उसके बाद देख सकते हैं, हल्का भीगा हल्का सूखा मिट्टी, मतलब ये मिट्टी ऐसे ही तो आपको झुरा झुरा लग रहा है, लेकिन ऐसे हाथ से करिएगा ना, ये देखिए इसका ढीला पकने लगे, इसको फिर झुरा करने का हम लोग हाथ से कुछ इस प्रकार से, ठीक है? और क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कोई कक्कड़ कंकड़ ना रहे या फिर कोई भी पत्थर ना रहे। हो सके तो आप एक काम कीजिएगा, बाली और मिट्टी 50-50 लेके, और उसके अंदर थोड़ा 100 से 200 ग्राम पेरिस या फिर वालपुट्टी मिक्स कर सकते हैं। वैसे भी मैं आज तक भाई कभी भी वाल पुट्टी ना पेरिस यूज़ किया है, मेरे को मिट्टी से इफेक्ट अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, सभी फटता है, ठीक है? अब इसको करना क्या है, और हाँ जरूरी सोचना, अगर आपको लगता है कि ये मिट्टी देने से निकल जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, साबु का आटा थोड़ा पतला करके उसके अंदर थोड़ा बालू डाल देता हूँ, और उसी को हाथ से ऐसे लेके इसमें लगा लेता हूँ, क्योंकि बालू और साबु का आटा जब इसमें बैठ जाएगा क्लियर, बालू क्या करता है रफ करता है जगह को, और उसके लिए मिट्टी को पकड़ा रहता है, ठीक है? देखिए अगर टाइल्स लगाने के लिए पहले दीवार को चिपिंग किया जाता है, तो ही सेम चीज़ यहाँ पे करना है, बालू और साबु का गोंद ऐसे हल्का करके लगा लिया जाता है, फिर धूप में 1 घंटा रख दिया जाता है, उसके बाद टाइट हो जाता है, जब हाथ ऐसे घुमा के घुसाएगा ना तो हाथ छिल देगा बालू से, ठीक है? तो यहाँ पर मैं थोड़ा करके ले लिया मिट्टी, ठीक है? देख सकते हैं, अब मिट्टी लेने के बाद ये जो है हम लोग का, इसको ऐसे घुसाना है हाथों
थोड़ा से नीचे कर लेंगे हम लोग, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम लोग को इसको यहाँ से पकड़ ठोक लीजिए, ठोकने के बाद जहाँ तक एंडिंग है वहाँ पे नाखून रखिए, निकालिए, इसमें ऐसा लगा के देखिए कितना हुआ है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हल्का सा कट के निकाल देंगे, वैसे भी ये निकलेगा नहीं दोस्तों, ठीक है कोई बात नहीं। आप लोग को दिखाने के लिए मतलब आपको इतना तक भरना है, मेरा थोड़ा इतना तक आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो भी जल जाएगा क्योंकि जो फ्यूज़ रहेगा वो आपका ब्लैक पाउडर से बनता है। अब आपको करना क्या है, अच्छे से इसको ठोक के बिठा देना है, तब तक अंदर चला जाएगा बंदूक ये। ठीक है देखिए मैंने कैसे कर लिया, टाइट कर लिया पूरा, अभी यहाँ पे हाथ देंगे, इसको निकालेंगे, हाँ अब ठीक है इतना तक हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा छोटा बड़ा होगा उससे भी मस्ती होता है, मतलब फट के ऊपर जाएगा, कोई आगे फटेगा कोई थोड़ा लेट से फटेगा। तो फाइनली हम लोग का मिट्टी फिलिंग इतना तक हुआ, ठीक है कितना हुआ आप लोग को दिखाई देता हूँ, ये होता है आधा इंच, पक्का आधा इंच यही होता है दोस्तों, मैंने अंदर से किया था थोड़ा छोटा था लेकिन पक्का आधा इंच यही हो रहा है हम लोग का, देख सकते हैं एक इंच यहाँ तक आ रहा है, ये आधा इंच हो गया। ठीक है अब करना क्या है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, एक पतला सा ड्रिल बिट रखिएगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए देखिए अच्छे से, ये ड्रिल बिट, ठीक है लकड़ी छेदा करने वाला ड्रिल बिट, ये आपका 2 mm है, आप 2.5 mm भी ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है और एकदम बीच बराबर इसको ऐसे घुमा देना है, ठीक है देख सकते हैं, ये देखिए छेदा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, मेरा थोड़ा यहाँ पे पतला है 2 mm है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देखिए मैंने कैसे कर लिया, अगर लगे ये थोड़ा पतला हो रहा है तो इसको ऐसे घुमाते रहिए, ठीक है घुमाते रहिए, इसको ऐसे कर दीजिए थोड़ा, बस देखिए पूरा होल बन चुका है, ठीक है अब इसको ऐसे रखना है और 1 से 2 दिन या फिर एक दिन अगर ठीक से 4-5 घंटा धूप मिला तो टाइट हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, एक कटोरी पे पकड़ लीजिए, कटोरी है, कटोरी में 2 चम्मच देना है ब्लैक पाउडर, बॉल मिल ब्लैक पाउडर, ठीक है 2 चम्मच ब्लैक पाउडर को देने के बाद, वो ब्लैक पाउडर में डिक्शन रहेगा पहले से ही, जो ब्लैक पाउडर का वीडियो मैंने डाल रखा है वही ब्लैक पाउडर लीजिएगा, इसमें 2 चम्मच जितना लगे आप लोग को लीजिए। उसके बाद दीजिए इसमें पानी, पानी इतना देना है कि जब ब्लैक पाउडर का ऐसे घोल के ऐसे उठाएंगे हाथ से टपकेगा नहीं लेकिन टपकने का कोशिश करेगा, ठीक है फिर ये जब सूख के रेडी हो जाएगा ब्लैक पाउडर को हाथ से ऐसे लेना है, ठीक है लेने के बाद इसे लगा के ऐसे प्रेस करना है, ऐसे लेना है प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है कि इसका जो होल है होल आर पार हो जाए, वो आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे ऐसे करके देते रहिएगा। और अगर आपका सर के ऊपर एक लाइट जल रहा है रूम का तो उस लाइट से देख लीजिए कि तो निकला है कि नहीं, अगर निकल जाएगा तो इधर से गिनने लगेगा, ठीक है और वैसे भी इसको सीधा रख के अगर ठोकते हैं ऐसे करके मसाला ठोक, ठीक है ऐसे टपक जाएगा हो सकता है, ठीक है और आप ऐसे ऐसे देखते भी रहिएगा तब क्या होगा पता चल जाएगा कि आपको जो मिट्टी है मिट्टी क्रॉस कर चुका मतलब क्रॉस कर चुका है हल्का, ठीक है और क्रॉस करना भी चाहिए, ठीक है ऐसे पतला पतला ले लेके ऐसे 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 करिएगा मतलब ज़ोर ज़ोर से करिएगा तब ये क्रॉस हो जाएगा। जब क्रॉस हो जाएगा उसको ले जाके धूप में अच्छे से सूखिए, 3 दिन धूप दीजिए, ठीक है 3 दिन धूप देने के बाद पकड़ लीजिए, 3 दिन धूप खा गया उसको लाना है एक जगह ऐसे करके रखना है, ठीक है तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ, स्टार लाता हूँ पहले। तो दोस्तों ये दोनों स्टार है, ये ब्लैक पाउडर कोटिंग है, ये ब्लैक पाउडर कोटिंग नहीं है अभी, ठीक है ये वाटरफॉल है, सॉरी N1 है देख सकते हैं लिखा हुआ है थाली पे नाउ N1, ठीक है मतलब अभी जो ये कॉम्पोजिशन थाली में है ये अभी N1 का कॉम्पोजिशन रॉ है, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपली जो पकड़ लीजिए ये ब्लैक पाउडर कोटिंग किया हुआ है देख सकते हैं नाउ वाटरफॉल टू N1, ठीक है मतलब बाहरी बाहर कोटिंग किया गया है वाटरफॉल से, अंदर है N1 और ऊपर से ब्लैक पाउडर से कोटिंग करके रेडी है।
तो यहाँ से मैं बड़ा बड़ा दाना तो अलग करूँगा बाद में, कि बड़ा दाना तो इसमें नहीं जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है मीडियम दाना, लाइक जो गोलकी होता है उसका साइज का जो होगा वही लगता है ये छोटा वाला स्काई शॉट में। सबसे पहले ये जो गोलकी जैसा साइज है इसको पहले का स्टेप याद रखिएगा, ब्लैक पाउडर को यहाँ पे फ्यूज़ बना के ठेल ठेल के फ्यूज़ करके रेडी है 2 दिन या 3 दिन सुखा के, उसके बाद डायरेक्टली इसमें ये दाना घुसा देना है। ठीक, देख सकते हैं दाना इतना घुसाना है कि 1.25 इंच छोड़ा रहे। देख सकते हैं 1.25 इंच से थोड़ा कम है, मैं थोड़ा कम कर लूँगा, देख सकते हैं कम कर लिया। अब ये तो स्टार घुस गया, अब आपको करना क्या है, फ्लैश पाउडर आप लोग सर्च बार में जाकर लिख लिखिएगा ऑल राउंडर छोटू फ्लैश पाउडर कंपोजिशन मेकिंग प्रोसेस, आप लोग को कंपोजिशन मिल जाएगा, वही कंपोजिशन से ये रेडी होता है और वही कंपोजिशन से तो सुतली बम बनता है और वही कंपोजिशन से बिजली बम बनता है और वही कंपोजिशन से बुलेट बम बनता है। ठीक है, ये छिपाने का कोई बात नहीं है, ना छिपा का मेरे को कुछ मिलेगा। तो वही कंपोजिशन पतला चम्मच का जो उल्टा साइड होता है हैंडल, चम्मच का हैंडल से आप लोग को फ्लैश पकड़ लीजिए, इसमें फ्लैश पाउडर ले लिया हम लोग। ठीक है, पहले स्टार जाएगा, उसके बाद पकड़ लीजिए चम्मच, चम्मच की मदद से फ्लैश पाउडर को यहाँ पे धीरे धीरे देना है और यहाँ पे हाथ देना ऐसे करके और ऐसे ठोकना है कि जहाँ पे फ्यूज़ का हम लोग कनेक्शन किए थे वो ना ठोका जाए, थोड़ा साइड करके लाइक ऐसा 45 डिग्री एंगल में ऐसे ऐसे ठोकिए, मतलब चारों तरफ से ठोकना है राउंड करके, ताकि फ्लैश पाउडर जो ऊपर डाले थे वो पूरा स्टार का गैपिंग पहुँच जाए। ठीक है, गैपिंग में पहुँच जाए, ऐसे ठोक ठोक के आपको बिठा लेना है लाइक ऐसे। जब देखिएगा फ्लैश पाउडर नीचे चल गया, थोड़ा और लेना है फ्लैश पाउडर, डाल दिया, फिर हाथ देना है, फिर देखिए ये ऐसे होता रहेगा ठोकते ठोकते। ठीक है, ये ऐसे ठोकते ठोकते होता रहेगा, साइड में ठोकने से दिक्कत नहीं होगा, हम लोग का मिडिल का बचाना है। ठीक है, ऐसे ठोक 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 के जब देखिएगा पूरा स्टार आपका उभर उभर हो चुका है, मतलब स्टार भी दिखाई दे रहा है और फ्लैश पाउडर भी दिखाई दे रहा है, तब कम करिएगा, हल्का सा फ्लैश पाउडर लीजिए ऊपर दे दीजिए और एक बार हाथ से ऐसे ऐसे कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो जगह है वो जगह से स्टार पूरा खिलने लगेगा, फ्लैश पाउडर के साथ मतलब मिक्सिंग हो जाएगा, उसके बाद लास्ट ऐसे ठोक दीजिए। ठोकने के बाद क्या करना है मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, कोई भी एक हार्ट मतलब पेटी ले लेना है, जो कि मैं पेटी लाता हूँ, देख सकते हैं ये पेटी मैंने लाया, पेटी लाए कार्टून, ये बहुत पतला कार्टून है, देख सकते हैं खिलने लगा ऐसा। ठीक है, इसको इसका जो डायमीटर है 12 mm, उसके हिसाब से इसको गोले कट करके आप लोग को पहले से जमा कर लेना है, मैं आप लोग को ये दिखा दे रहा हूँ उस वीडियो में, गोल करके इसको काट लेना है कुछ इस प्रकार से, परफेक्ट गोल हो ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा गोल होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे बिठा लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये बेलन से आप लोग ऐसे इसको ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, देखिए कैसे जाएगा अंदर, देखिए दोस्तों अच्छे से देखिए, यही होता है काम, ओरिजिनल काम प्रोफेशनल का, देखिए मसला गिरेगा ही नहीं, सॉरी अभी तो मसला नहीं है लेकिन ये गिरेगा नहीं, आप लोग अच्छे से कैमरा में फोकस दे दो, ठीक आ रहा है, देख सकते हैं ये होता है पाइपिंग। अब क्या करना है, वही जो बोला मैंने साबू का गोंद पतला करके और बालू वही घोल ऐसे करके लेना है, हल्का हल्का ऐसे देना है, फिर धूप में छोड़ देना है, 2 घंटे रखने से ही काफ़ी है, फिर उठा के लाना है, देखिएगा ऐसे उंगली घुसा का देखिएगा बालू छूट नहीं रहा है, लेकिन MRE पेपर की तरह रफ हो गया है, मतलब उठ नहीं रहा है, सूख गया अच्छे से, तब ये जो भीगा भीगा मिट्टी रहेगा उसके ऐसे लगाइए। ठीक है, लगाने के बाद ऐसे हाथ से ऐसे प्रेस कीजिए, ज़्यादा नहीं ठोकिएगा, स्टार बैठ जाएगा, टूट भी सकता है, ऐसे ऐसे करके हल्के हाथ से ऐसे कर दीजिए, थोड़ा गैपिंग रखिएगा, ये कारण है रखने का, ऐसे हाथ से ऐसे प्रेस कर दीजिए। करने के बाद क्या करना है, रॉ साबू का गोंद या फिर साबू और बालू जो बना के रखा था वही गोंद हाथ से पतला पतला लीजिए
यहाँ पे ऐसा करके अच्छे से प्रेस करके 2-3 बार लगा दीजिए, पूरा टाइट हो जाएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसका साइड में कोई गंदगी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा फाइल रखना है हम लोग को। कैलेंडर से अच्छा मतलब निकलता है ये, ठीक है, स्लिप करके निकल जाता है। अब हम लोग का जो साबु का गाउन देखिए ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद इधर भी ब्लैक पाउडर दिखाई देगा आप लोग को। और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे ब्लैक पाउडर थोड़ा ज़्यादा लगा रहे, क्योंकि जो बस्टेज होगा वो इग्नाइट होके जब ब्लस्ट करके इसको ऊपर भेजेगा तो ये भी इग्नाइट होकर ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। और इसका चिंगारी जब निकलेगा आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। ये जब रेडी हो जाएगा, ये जो स्काई शॉट है इसके अंदर आप देखिए आसानी से घुस जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। छोड़ दीजिएगा अंदर चला जाएगा, ये देखिए चला गया, ठीक है। उसको निकाल लेंगे हम लोग, ये देखिए निकल गया। इतना ही लूज रखना है, देखिए अच्छे से देखिए, मैं हाथ से हल्का ठेलूँगा, देखिए ठीक है, ये ऐसे जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि उसका स्कॉट इधर ही फट जाएगा यार, इधर ही रह जाएगा उसका स्कॉट, वैसे पूरा फाड़ देगा एकदम, इधर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा रखना है कैसे ठोकने से निकल जाए, ठीक है। हल्का जम रहना चाहिए, और हल्का जम किस लिए हो रहा है पता है, यहाँ पे मिट्टी देखे जो हम लोग ठोके थे इसके लिए थोड़ा पे टाइट टाइट हो रहा है। ये लाइक आपका वाशर का काम करेगा, ठीक है। जब हम लोग इसमें इसको डाल देंगे, रुकिए टेढ़ा पे का है क्योंकि ये गिरा था ना, तो वो लोग उठा के दे जाता है। इसको हाथ से थोड़ा ऐसे गोल कर लेना, उसके बाद इसको डालना है, देखिए नीचे चला गया। जब बास्ट होगा ये निकल के ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं इसे वीडियो अच्छा लगा। यही था स्काई शॉट का ट्रिक। अगर आप लोग को मतलब 1.5 इंच वाला स्काई शॉट चाहिए, 1.5 इंच लाइक इतना मोटा जो होता है जो आप लोग नॉर्मली जलाते हो, 100-150 रुपये पीस मिलता है वो, उसका अगर पाइपिंग फार्मूला चाहिए तो बताइए, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी, ठीक है। वो भी मतलब ओरिजिनल तरीके से, मतलब फ्लैश पाउडर भी डालूंगा, स्टार भी डालूंगा, ठीक है। और टेस्टिंग भी होगा, क्योंकि टेस्टिंग का टाइम आ चुका है। आप लोग जितना जल्दी मान के कीजिएगा उतना जल्दी हम फटाका में आग लगा देंगे यार, इसीलिए हम थोड़ा बहुत बना रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा, तो आप ही के ऊपर सब है, ठीक है। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए आज को मैं टाटा बोलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लड़ेंगे तब तक, जिएंगे जब तक। अच्छा रहिएगा, शुभरात्रि।